और दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 16 बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए B.1 का आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, और ली क्वेश्चनों का जवाब देना है। एक में व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स, पूरे विश्व में सबसे अद्भुत हमारे बुक्स कैसे हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा न्यू आइडियाज एंड पीपल फैंसीज अस थ्रू द बुक्स, क्योंकि नए विचार और लोगों की फैंसी इसी बुक के द्वारा हमें मिलता है, इसलिए बुक्स विश्व में सबसे अच्छा है, अद्भुत है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द बुक्स कंपेयर टू, आप बुक की कंपेयर्ड क्या है, बुक्स किसकी कंपेयर्ड क्या है। आंसर है बुक्स आर कंपेयर टू ए मैजिक बॉक्स, एक जादुई बक्सा से की तरह बुक्स का कंपेयर्ड है। ट्रू और फॉल्स है, राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट टू इच स्टेटमेंट स्पेस प्रोवाइड, सही कथन के आगे ट्रू और गलत कथन के आगे फॉल्स लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो मेरा एक में है रीडिंग बुक्स इन बोरिंग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फॉल्स FALSE फॉल्स, बुक्स टेल अस नथिंग न्यू, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा F। तो उसी में है बुक्स टेल अस अबाउट फार अवे प्लेस, तो ये हमारा सही हो जाएगा ट्रू। तो डी में है हमारा बुक्स डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टाइम्स गोन, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो अब है बुक्स हेल्प अस इमेजिंग अबाउट है पीपल वी हैव नेवर मेट, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अब है टेक द मोस्ट एपोटाइट ऑप्शन फॉर इच अदर फ्लोइंग, सही कथन के आगे आप लोग को सही लिखना है। द लाइन द रूम विच सिट इन मिल्ट अवे मीन्स डैट देयर इज आइस इन द रूम डैट स्टार्ट मिल्टिंग, वी फॉरगॉट डैट वी आर सिटिंग इन द रूम इज ब्रोकन डाउन द रूम वी आर सिटिंग इन मेड ऑफ राइस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन ए का बी, ठीक है। दो में देखिए, दो में है द वर्ड्स आवर चूज फ्रेंड रेफर टू आवर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल ए फ्रेंड हु वी आर प्लेइंग विथ ए कैरेक्टर होम वी लाइक इन ए स्टोरी द फ्रेंड वी चूज टू स्टडी विथ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ए कैरेक्टर होम वी लाइक इन द स्टोरी, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन अब 3 नंबर है मेरा हेयर आवर बॉडी इन द चेयर बट आवर माइंड इज आउट देयर, द पोएट फील्स दैट व्हेन वी आर रीडिंग बुक्स वी आर सिटिंग इन चेयर्स बट आवर माइंड्स आर एट अ स्कूल at home at place and times we are reading about in the playground, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। अब है हमारा आंसर द क्वेश्चन, फ्लोइंग क्वेश्चनों का जवाब देना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है फॉर हुम डू बुक्स होल्ड थिंग्स, आंसर है बुक्स होल्ड थिंग्स फॉर दियर लवर्स और टू से द रीडर, ठीक है। दोस्तों अब है वी अनलॉक ए रूम विथ द हेल्प ऑफ ए की, हाउ कैन ए बुक बी अनलॉक्ड बाय ए चाइल्ड, आंसर है ए बुक कैन बी अनलॉक्ड बाय ए चाइल्ड बाय ओपनिंग इट कवर्स, आंसर हो जाएगा हमारा 2 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। C.1 का है अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स अपीयर इन द पोएम पिक देम आउट एंड राइट देम डाउन इन स्पेस गिवन बिलो, अपोजिट वर्ड लिखना है आप लोग को। तो चलिए देखते हैं क्लॉज ओपन, क्लॉज का हो जाएगा ओपन ओ पी ई एन ओपन, ऑल्ट का हो जाएगा
न्यू आफ्टर का बिफोर बिगी बिगी ता हो जाएगा एंड ई एन डी एंड ठीक है। लॉक लॉक मतलब ताला तो चाबी हो जाएगा की के ई वाई की लॉक का ओपन लॉक कर दो किसी गेट को ओपन। तो चलिए इसी प्रकार सभी का देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ले लिए क्लोज ओपन ऑल न्यू आफ्टर बिफोर बी इन लॉक ओपन इन इनसाइड आउटसाइड फॉल राइज राइज। तो अगला देख ले दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही जाइएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।